सबको मैं नव वर्ष की फिर से शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन खूब मंगलकारी आनंदकारी हो। हमें सेज है तो मुमकिन है और सेज तो है ही हम, अब बस उसके जैसा आचरण को अपनाना है, उसकी जैसी सोच को लाना है, उसके जैसे कर्तव्य करना है, उसके जैसी चीजों को फलीभूत करना है। और हमें अपने लिए तो जीना ही जीना, हमारे शरीर को तो बेस्ट रखना ही है, हमारा जो सबसे क्लोज हो रहा है उसको बहुत कुछ रखना है और सबके लिए काम करना है, तभी तो हम ट्रू सेजियंस कहलाएंगे, तभी हमें कह पाएंगे यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम इन्फिनिटी है, यू आर ऑल्सो ऑल आर इनफाइनाइट, अनंत हो आप, हमारे बाबा हमेशा कहते हैं यू आर ऑल इनफाइनाइट, गॉड इज विथ इन यू, यू आर ब्रह्मास्मि। ये तीन बातें ध्यान रखें, यू आर इनफाइनाइट, गॉड इज विथ इन यू एंड यू आर ब्रह्मास्मि। तो ये सब चीजें हमें तो बस, हमने विपरीत परिस्थितियां थी जब पिछले सालों में, जो बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही थी, बहुत सारा चीजें खराब हो रही थी, तब हमने बेस्ट करके दिखाया। वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि हम करते हैं तो हम करके दिखाते हैं। देखिए हमने पिछले हर सेक्टर में हमने एक मिसाल स्थापित करी है, हमारे बहुत कम लोगों का हमने सैलरी रोकी और रोकी तो दोबारा उनको फिर अचीवमेंट में दे दी गई है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, आप सबको सुन के हर्ष होगा कि रियरेस्ट टू रियस्ट है कि जिसकी सैलरी अभी भी 25% या कुछ रुकी हुई है, वो भी अगर वो बेस्ट कर देगा, अपना कुछ करके दिखाए हमें, तो आई प्रॉमिस उससे डबल उसकी सैलरी उसको दे दूंगा मैं। परंतु करना पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा, कोई बाहर से करने नहीं आएगा, कोई अपने आप ही चीजों को बनाने नहीं आएगा, आपको खुद को बनानी है, चीजों को करना पड़ेगा, जा जाके कर करके कि चीजें कैसे हो, क्या क्या हो, चीजों को समझें। क्योंकि अब 2021 आ गया है, नई आशाएं हैं, नई शताब्दी का शुभारंभ हो रहा है, और हमें 2020 में एक सख्त टीचर की जगह बहुत कुछ सिखा गया है, एक चीजें सिखा गया है कि कैसे और जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। इसलिए बहुत अच्छे से हमें 2020 का एनालिसिस करें, 2020 का, कि हमने क्या क्या गलतियां करी थी पहले के सालों में भी, शुरू से अभी तक, कि हमारी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं थी, हमारी प्राणायाम की हैबिट अच्छी नहीं थी, हमारी योग की अच्छी हैबिट नहीं थी, हमारी एक्सरसाइज की हैबिट अच्छी नहीं थी। तो हम चीजों को और अच्छे से कर लेंगे, परंतु अगर हम एनालिसिस करेंगे तो कर पाएंगे। इसलिए 2020 का बहुत अच्छा एनालिसिस करें, कागज पेन उठाए, और एनालिसिस के लिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना कागज पेन यूज करें, अपना कलम को, अपने हाथ को यूज करें। बहुत सारे अभी आप लोग 2021 का विजन क्रिएट करना शुरू कर दिया है, तो कर दो आप शुरू, आज ही संकल्प है कि अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से। परंतु मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँ, यूज योर हैंड एंड पेन एंड पेज, कंप्यूटर से आप कर लो, अपने कहीं अच्छे से दिखाने छाप लो, परंतु मुझे जो आप बताएंगे वो बाय हैंड रिटन होना चाहिए। आई एम नॉट एक्सेप्ट टाइप्ड विजन, कोई भी हो इस ग्रुप का, सबका हैंड रिटन विजन चाहिए मुझे। आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए बढ़िया करना है, कहीं डिस्प्ले में लगाना है तो आप कंप्यूटराइज कर लो, उस पर ग्राफिक्स बना लो, ये कर लो, जो भी करना कर लो, परंतु मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बीइंग सेजियंस, ईश्वर ने हमने बहुत अच्छा हाथ दिया है, कलम दी है, कागज दिया है, तो यूज दैट, ताकि हमारी पूरी संकल्प शक्ति इन्वॉल्व होती है, हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीच में नहीं आता टाइप करने में। तो प्लीज मेक योर विजन विद द हैंड, विद द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो कोई परिवर्तन तो लाना पड़ेगा हमारा, अब तो परिवर्तन का युग शुरू हो गया है, एक सोच पैदा करनी पड़ेगी और कैसे करें, एक उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा आपको, बिलोंगिंगनेस और पैदा करनी पड़ेगी। आई नो यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यस यू आर द रियली बेस्ट, बट और आगे है, अभी हम और एक्सेल कर सकते हैं, कोई 95% पे, कोई 96 पे, कोई 90 पे हो सकता है, कोई 80 पे, कोई नया आया तो 50 पे हो, परंतु वी मस्ट रीच अप टू द 100, क्योंकि हम तो एक्सेल करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अपने विजन को मिशन में बदलें, जो आपने विजन बनाया उसको मिशन में कैसे बदलें, उसकी पूरी कार्य पद्धति देखें, उसको अंदर संकुचित, उसको जी लें। जो आपने एक सीक्रेट बुक पढ़ी होगी उसमें यही फंडा दिया गया था कि एक विजन बनाए और उसको जिया, आंखें बंद करें जैसे बोलते हैं, सपने में जी लें,
तो एक विजन को क्रिएट करें, उसकी कार्य पद्धति करें और उसको जीने की कोशिश करें, और ये सब हम तभी कर पाएंगे हमारी हेल्थ परफेक्ट होगी। सेज है तो मुमकिन है, तो मुमकिन करके दिखाएंगे, हम करके दिखा रहे हैं, हम धीरे 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 कर रहे हैं। हमारा जो सेज कोर ग्रुप है, प्रशांत सर है, शिवानी साखी बिटिया है, आकाश है, रुपेश गोरखे साहब है, अमोद माथुर है, बहुत सारे मतलब हमारे साथ उसमें जुड़े हुए, मनोज आचित सर है, राकेश अग्रवाल है, अरुण अग्रवाल जी हैं, सब लोग हम जुड़ के ही तो एक ग्रुप बनाते हैं। एक सेज कोर ग्रुप बनाया हमने 11 लोगों ने, फिर हम उसके आगे कॉर्पोरेट ग्रुप बना रखे हैं हमने, जिसमें हमारे सभी वाइस चांसलर, आई एम थैंकफुल टू बोथ वाइस चांसलर, तीन जनों को मैं स्पेशल थैंक दूंगा आज की शुरुआत में ही। वीके जैन साहब, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, मुझे जो उम्मीद थी उससे आप अच्छा कर रहे हैं। इंदौर में कुलकर्णी सर, आपसे भी बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा शुरू करा है। और मनोरिया सर, ये तीन जन हमारे बिल्कुल जाबाज सिपाही हैं, जो एकेडमिक्स को नया एक्सेल देने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आशीष दत्ता सर, राजपूत सर जी जान से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशांत सर का गाइडेंस है, शिवानी साखी दीदी की मेहनत है। ऐसे ही टीम बनती है, ऐसे ही कोशिश होती है चीजें को बढ़ाने की। सर्वेश शुक्ला उसमें जी जान लगा रहे, कल बैठे भी थे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से बड़ा बनते जाते हैं, परंतु सबके प्रयास होंगे तब कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत अच्छी हैबिट्स अपनानी पड़ेगी, बहुत अच्छा साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा साहित्य को सुनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल थिंग्स को अपनाना पड़ेगा। मैं स्पिरिचुअल नहीं कहता कि आप बैठ जाओ और हरे कृष्ण जाप कर लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमें शुद्ध होना पड़ेगा, मन में शुद्धता लानी पड़ेगी कि हम कैसे और शुद्ध हो पाए। इसलिए अच्छे लिटरेचर को पढ़े और बहुत अच्छा लिटरेचर सुने। मैं डेली मॉर्निंग में 1 घंटा बहुत अच्छे किसी संत को सुनता हूँ और रात को सोते समय सुनता हूँ, ताकि चीजें बनती जाती हैं, चीजें होती जाती हैं बहुत अच्छे से। देखिए दोनों हमारी राजकुमारियां स्क्रीन पे है, दैट इज अ थिंग। ऐसे ही सपने सजोने हैं हमें, और हमारा भविष्य यही भविष्य, इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हरेक को आहुति देनी पड़ेगी, हरेक को आहुति देनी पड़ेगी कि आगे आगे कैसे करा जाए, क्या क्या करा जाए। और प्रायोरिटी हमारा ग्रुप तो है यही, सबसे प्रायोरिटी हमें हमारा शरीर को रखना है, हमारा जो परिवार है, जो एकदम क्लोज परिवार है, उसको हमें रखना है। 3 और 4 फरवरी को हमारा फाउंडेशन डे मना रहे हैं, 4 जनवरी को जैसा आप सबको मालूम है, तो आप सबका मैं आमंत्रित करता हूँ खुले मन से कि आप प्लीज आइए और बहुत अपना विजन दीजिए, अपना आउटपुट दीजिए और बताइए, अपनी प्रेजेंस बताइए कि यस आई एम हियर। परंतु रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी कोई भी तबीयत के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, सर्दी खांसी ज्यादा है या हल्का सा फीवर है, तो प्लीज घर पे रेस्ट करें, परंतु इन्फॉर्म जरूर कर दे ताकि उस हिसाब से उनका इंतजाम हो। तो तभी आए जब आप 100% ओके हो, और आए तो मैंने पहले ही हमेशा बोला मैं कोई गिफ्ट नहीं लूंगा, मैं कोई बुके नहीं लूंगा उस दिन, और कोई भी डेकोरेटिव कार्ड नहीं लूंगा विजन का, जिसमें बहुत सारे डेकोरेशन हो, मैं ऐसा कार्ड नहीं लूंगा। मैं सिंपली जो हाथ से लिखा हुआ होता है, जैसे ये हाथ से लिखा हुआ पर्चा है पूरा, अब दिख नहीं रहा, शिवानी साक्षी अपने इसमें दिखा देंगी, हाथ से लिखा हुआ पर्चा है, वही मैं ले पाऊंगा, मतलब सिर्फ हाथ से लिखा हुआ पर्चा का विजन लेने की कोशिश करूंगा। इसलिए आए सेलिब्रेट करें, और डील एंड अबो से रिक्वेस्ट है को अपने परिवार के साथ आएंगे तो हमारे पूरे ग्रुप को उनका परिवार का आशीर्वाद मिले। उस दिन हम 50 अवार्डीज चुन रहे हैं, उनके परिवार को बुला रहे हैं, तो 50 अवार्डीज अपने परिवार के साथ आएंगे। ये हाथ का लिखा हुआ होना चाहिए, हाथ का लिखा हुआ होना चाहिए, चीजों को बनाना पड़ेगा, है ना। तो 50 अवार्डीज का हमारा जो प्रोग्राम रहेगा उनको हम बुलाएंगे, उसमें 25 चेयरमैन एलाइट क्लब के भी मेंबर हम ले रहे हैं, तो वो भी उस दिन स्टेज पे आएंगे, उनको हम चुनना शुरू कर दिया। कल करीब करीब 99% हो गया है कि कौन का नाम रहेगा, अवार्डीज भी फाइनल कर लिए, कल हम पूरा कोर ग्रुप बैठा था उससे फाइनल हो गए। 2 से 5 सिल्वर एलाइट क्लब भी, सिल्वर एलाइट क्लब है जो कि कॉर्पोरेट मेंबर्स, वो अपने साथ लेंगे, तो उसमें भी चुनने के लिए कोशिश करें, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें, तब जाके चीजें बनेंगी।
ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं हम 4 जनवरी को, तो ऐप ऑलरेडी है, तो आप जब तक 4 जनवरी तक 100% अपलोड डाउनलोड कर लें ऐप को, उस पर आपके पास सबके पास आ रहा है, चीजें चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, चीजों को बढ़ाना है। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, परंतु तो बाहर पता लगेगा तब तो बात है, तब तो दुनिया को है कि ये चीजें हो रही हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्रांड को बनाएं अपने। तो ब्रांड बनाने के लिए छोटी सी शुरुआत करते हैं आज से, जो हमारी डीपी है व्हाट्सएप की, उसको चेंज करें। मैं देखता हूँ बहुत सारी डीपी है, कार के सामने खड़े हुए हीरो स्टाइल में या कि समुद्र किनारे, नहीं ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह आपकी पर्सनल लाइफ है वो सब कुछ है, परंतु मेरी रिक्वेस्ट है अगर यू लव द सेज ग्रुप तो रिलेटेड द सेज ग्रुप का डालें। मैं बहुत सौ को धन्यवाद दूँ जिन्होंने मेरे साथ की डीपी अपने में डाली हुई है, मैं बहुत सौ को धन्यवाद दूँ जिन्होंने सेज ग्रुप से रिलेटेड डीपी डाली हुई है, मैं बहुत सौ अपने माँ बाप के साथ डालें, कुछ ऐसी डीपी डालें जिससे एक लगे कि ये इंसान बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप सेजियंस हैं तो सेजियंस सबसे पहले हमें किसी आदमी से मिलने जाते हैं तो उसकी सूरत दिखती है, फिर बोली तो बाद में पता लगती है, विचार ठंड नंबर पे पता लगते हैं। तो डीपी आज की है, हमारा स्टेटस है, हमारे सूरत है आज के टाइम पे, तो हमारी सूरत बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए कि हम कैसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हम डीपी पे कैसे मैसेज, हम व्हाट्सएप पे जो चैट कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, और फिर हमारे थॉट जाते हैं, फिर थर्ड नंबर पे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सूरत को ठीक करें, फिर बोली को ठीक करें, फिर थॉट को ठीक करें, तब जाके चीजें बनेंगी, चीजें होंगी, और करना हमें पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा करने। ब्रांडिंग हमें ही बनानी पड़ेगी, डिटेलिंग में। आप देखिए अग्रवाल कंस्ट्रक्शन ने इस बार फिर से इतिहास रचा है, करीब करीब रुपेश गोरखे साहब हैं हमारे साथ में, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है अग्रवाल कंस्ट्रक्शन के, बहुत मेहनती इंसान है, जुनूनी इंसान है, रुपेश सर को नमन करता हूँ, अपनी उंगली हटा लेंगे तो अच्छा लगेगा कि इन्होंने बहुत अच्छा एक इतिहास रचा है, करीब करीब 725 बुकिंग पे आ गए, और बैक डेट में फिर से आज बोले सब मैं कुछ बुकिंग करके खत्म करूंगा। चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं, हमारा रिकवरी भी ठीक आई है, क्योंकि 4-5 साल हमारे खराब हो गए थे, इसलिए अब रिकवरी फिर से आ गई है। हमारे डॉक्टर प्रशांत जैन सर जो एजुकेशन के नया इतिहास रच रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे एडमिशंस करे हैं इंदौर में, करीब करीब हम 4,500 एडमिशन को टच कर गए हैं, भोपाल में भी 1,500 एडमिशन टच करे हैं, SIIT में सर्वेश ने 100% एडमिशन क्लोज करे हैं, और विद द रीजनेबल फीस, और विद द सबसे बड़ी बात है क्वालिटी स्टूडेंट के साथ हम क्लोज कर रहे हैं चीजें, क्योंकि अगर क्वालिटी है तो सब कुछ है, क्वालिटी है तो ठीक है, नहीं तो बाकी चीजें तो बदलती जा रही हैं, चीजें होती जा रही हैं, तो क्वालिटी पे वर्क करना हमें, हमारा जो मेन प्रिंसिपल है 2020-21 का कि हमें क्वालिटी पे वर्क करना है, हर जगह क्वालिटी चाहिए, हर जगह क्वालिटी चाहिए। नहीं जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी पर बहुत फोकस कर रहे हैं, हमारे साथ अनिल निगम जैसे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आकाश अग्रवाल जैसे लोग जुड़े हुए हैं, जो चीजों को बना रहे हैं, चीजों को और सुंदर कर रहे हैं इकोनॉमिकल वे में, बहुत अच्छे से आकाश अग्रवाल सामने दिख रहे हैं आपके, ही इज अ बेस्ट गाय ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन, बहुत मेहनत करते हैं, जुनून ही रात के 12-12 बजे तक मुझे मैसेज करके मामा ये कर लेते हैं ये कर, तब तक हम जुनून पैदा नहीं करेंगे, चाहत पैदा नहीं करेंगे, फतेह नहीं होगी, इसलिए हम फतेह कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का हर सेजियंस रियल सेजियंस हो रहा है, हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, हमें संकल्प लेना है कि हम रोज कम से कम 5 लोगों को दिल से खुश कर सके, ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ उपहार देंगे तो खुश होगा, सिंपल आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लें, उनको आई लव यू कह दें, उनकी चीजों को अच्छे से एडवाइस कर दें, और कुछ दे सकते हैं उनका भला कर सकते तो कर ले। तो एक संकल्प है कि हम दिन में कम से कम 5 लोगों करेंगे, और 5 लोग मतलब 365 x5 साल के कितने सारे हो गए, मनोज आची सर दिख रहे हैं हमें कैलकुलेशन बता देंगे 365 x5 कितने होते हैं, तो बस चीजों को ऐसे ही बनाते जाना है। तो थोड़े थोड़े संकल्प ले लें आज और चीजों को बनाना शुरू कर दें तो चीजें अच्छी होती जाएंगी, संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे सबको कंबाइंड। मैं सोचूं मैं अकेला कर लूंगा तो कभी कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलके करना पड़ेगा, एक एक को मिलके करना पड़ेगा इसमें, तब जाके चीजें और अच्छी होंगी, क्योंकि
अगर प्रयास सब मिलके करेंगे तो ही होगा, कम्युनिकेट करेंगे, चीजों को बदलेंगे तो चीजें बदलेंगी, नहीं तो चीजें तो चलती ही जा रही हैं, चीजें होती ही जा रही हैं। तो हमारा मन, तन, संबंध और काम, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये चारों चीजों पे हम वर्क कर लेंगे साथ में, मन तन अच्छा हो, मन अच्छा हो, संबंध अच्छे हो, तो काम अपने आप हमारा अच्छा होने लगेगा। तो चीजों को आपस में कोरिलेट करें, बनाएं और शुरुआत करें। ये शुरुआत है, माने नई सदी शुरू हो रही है, नया ईयर शुरू हो रहा है, नया मतलब दशक शुरू हो रहा है। 2021 आ गया, 2021 तो नया दशक आ गया है, 2021 से 2030 तक का, तो नया दशक शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है। तो बहुत सारी नई की शुरुआत है, करते जाएं। जितनी फैकल्टीज हैं वो अपना स्टूडेंट को माने कि ये हमारा ध्येय है, हम स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनको हम क्या नहीं दे दें, उनको कैसे और अच्छी एकेडमिक स्किल दे दें, उनको और कैसे हम लाइफ स्किल सिखा दें। पर्सनलाइज जब तक संबंध नहीं होंगे हम नहीं सिखा पाएंगे। हमारा एक जावाद सिपाही दिख रहा है आज फेस पे, बहुत जोरदार, देखिए एकदम तैयार है, फ्रेश है, राजपूत सर, पुष्पन राजपूत, जो हमारी शिवानी दीदी की फैन, साक्षी दीदी की फैन है। तो चीजें बदलनी पड़ रही है, तभी बदल पाएंगे। हर शिक्षक को, हर पर्सन को जब तक अपना पूरा फोकस वर्क नहीं करेगा, एकेडमिक एक्सीलेंस हम नहीं लाएंगे, चीजें नहीं बनेंगी। एकेडमिक एक्सीलेंस पे वर्क करना पड़ेगा, वो तभी हम कर पाएंगे जब हम खुद ज्ञान लेंगे, हम डिलीवर करना सीखेंगे। तो बहुत सारे FDP प्रोग्राम जो होते हैं उनको ज्वाइन करें। मैं रघुरमन सर का इस सेज की बात में दिल से धन्यवाद दूंगा, जो हमें गाइडेंस देते हैं। अभी हमारे 45 हथियारबंद जोरदार लोग जो हमारा विचार है, हमारे HODs हैं, उनको तैयार करा, उनको एक सोच और पॉजिटिव सोच है। तो कोई 90% तो 95% पे लिया, कोई 95% तो 99% पे लिया, सबको तैयार करा रघुरमन सर ने, इसलिए उनको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सबको कोशिश करनी पड़ी, आप भी सबके लीडर्स हैं, तो अपनी टीम्स को तैयार करें। सभी फैकल्टी से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट्स करें, कंसल्टेंसीज करें, बुक राइटिंग करें, पेटेंट्स करें, जो जो वो कर सकते हैं वो करें। इस बार की एडमिशन की प्रोसेस भी हम बहुत क्रिस्टल क्लियर करना की शुरुआत कर रहे हैं। सभी को उसमें आहुति देनी है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट देनी है। वो इनडायरेक्ट ये है कि वो अपने आप को उठा लें। हमारे कुलकर्णी साहब दिख रहे हैं, इंदौर के वाइस चांसलर हैं सर, नमन है आपको। तो ऐसे सबको सबको मिलके करना पड़ेगा। हमारी सभी संस्थाएं, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, SGI पूरा, जिसमें हमारे तीनों इंजीनियरिंग SIIT, SIIS, SIIE कॉलेज आते हैं, हमारे फार्मेसी के दोनों सुरेंजन सर, बनवीर सर को धन्यवाद कि जो इतने अच्छे से फार्मेसी कॉलेज को सजो रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हमारे दोनों स्कूल भावना और नीलम को धन्यवाद, जो दोनों स्कूल बहुत अच्छे चला रही है, त्रिचाल सर के नेतृत्व में, रुपेश राजपूत सर के नेतृत्व में, साक्षी दीदी के गाइडेंस में, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो ऐसे ही शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे ही चीजों को हम करे जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। हमारे अग्रवाल पावर पूरे पंडित सर को नमन है कि पूरी टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। अब वो टोटली डेट फ्री कंपनी होते जा रही है, अब वो आसाम में टेंडर लेने जा रहे हैं, हम महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और रेलवे, चार जगह ऑलरेडी कर रहे थे, अब हम आसाम की तरफ कर। सेज है तो मुमकिन है, हम सेज है तो मुमकिन करके दिखा रहे हैं, तेजी से दिखा रहे हैं। सबसे पहले, सबसे बड़ा और सबसे प्योर तरीके से करने का संकल्प है हमारा, क्योंकि हम सेज है, सबसे प्योर तरीके से करेंगे, सबसे बड़ा करेंगे, सबसे पहले करेंगे, तभी तो जाके हमें जीत मिलेगी। जीवन में सपने देखे हैं अपने, उन्हें सच करने के लिए जी जान से जुट गए हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है एक सटीक प्लानिंग और हर कार्य को समय सीमा में करने की, तभी हम सफल होते हैं। क्योंकि हम सब एक जिम्मेदारी लिए हुए हैं, और किसी को कुछ जिम्मेदारी ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, तो प्लीज अपने सीनियर से डिस्कस करें, अपनी जिम्मेदारी को बढ़वा लें या घटवा लें, परंतु संकल्पित करें 2021 में हम और आगे बढ़ के दिखाएंगे, हम और नए तरीके से करके दिखाएंगे, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। ये समय है धैर्य का और संयम का, एक दूसरे का हाथ थामने का, एक दूसरे का हाथ थामें और ख्याल रखें उसकी जरूरतों का, उसकी सोच का, और प्रयास करें
उससे अच्छे से डील करने की, उसकी सोच को आगे बढ़ाने की। सही है, वो धैर्य पेशेंस और पेशेंस के साथ अगर हम काम करेंगे, जुनून और धैर्य, पेशेंस और पेशेंस, तो चीजें बदलने लगेगी और चीजें हो रही हैं। ब्रांडिंग पे काम जरूर करें, जो भी पोस्ट आपको दी जाती है उसको आगे बहुत अच्छे से अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे फॉरवर्ड करें, कुछ अपना इनपुट डाल के थोड़ा सा टाइप करके अपने हिसाब से, ताकि वो चीजें बदलती हुई दिखें। तो सभी करें। आप सबको फिर से मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप रोज 1 तारीख को मेरे साथ जुड़ते हैं, आधा घंटे के लिए ऐसे ही जुड़ते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। नमन करता हूँ, जय, धन्यवाद, फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।